देखिए आज इस पिंक कलर के उन सज हम एक थाल पोस बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। पहले एक ग्रीन कलर के ले रही हूँ, देखिए पहले एक मैजिक नॉट बना रही हूँ। इस तरह से तीन चेन बना के क्रोशिया बना रही हूँ, देखिए इस तरह से। ये पूरी क्रोशिया बनाना है, देखिए पूरी 18 क्रोशिया बना लिए हैं और यहाँ पर इस धागे को खींच के छोटा कर लिए हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच दे रही हूँ, फिर 1 2 3 4 चार चेन बना के इसी जगह से क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए दो क्रोशी बना लिए, एक चेन और एक क्रोशी, तो दो क्रोशी बन गए। अब इसी जगह से दो चेन बना के फिर इसी जगह से दो क्रोशी बना रही हूँ। एक दो चेन, फिर तीन क्रोशी छोड़ के इस तरह से फिर से चार क्रोशी बना रही हूँ। दो क्रोशी बना के दो चेन, फिर दो क्रोशी, फिर दो चेन, फिर 1 2 3 3 क्रोशी छोड़ के फिर से चार क्रोशी बनाना है। दो क्रोशी बना के दो चेन, फिर इसी जगह में दो क्रोशी, दो चेन, तो इसी तरह से बनाना है। ये लाइन बन गया है। टेस्ट के बाद इसको यहाँ पर कैसे स्टिच किए। अभी देखिए मैरून कलर को ले रही हूँ, इसके बाद इस तरह से चेन बनाना है। इस धागे को लेके एक साथ इस धागे को लेके इस तरह से चेन बनाना है। चार चेन बना लिए, फिर देखिए इस तरह से एक बार देखिए धागे को दो बार लिए हैं और फिर तो इस तरह से दो दो धागे निकालना है। और देखिए यहाँ पर दो धागे हैं, अभी फिर से दो बार धागे को लेके इस तरह से फिर से दो बार निकालनी है, दो दो करके। अभी यहाँ पर तीन धागे हैं और फिर एक बार और ले रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर चार धागे हैं। चार धागे को इस तरह से एक साथ निकालना है और फिर 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6 चेन बना के फिर से इसी जगह में फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से
देखें यहाँ पर फिर से एक दो तीन चार चार धागे बन गए हैं और फिर इसको एक साथ निकालना है। ये दो धागे ये दो चेन बना के फिर से देखिए इन चार क्रोशे के बीच से फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। धागे को दो बार लेना है और फिर दो दो करके दो बार ही निकालना है। देखिए इस तरह से फिर चार धागे आ गए हैं तो इस तरह से एक साथ निकालना है। फिर एक दो तीन चार पाँच छः छः चेन बना के फिर से देखिए इसी चार क्रोशे के बीच से फिर से ट्रिपल क्रोशिया चार निकालना है। ऐसे बना लिए फिर एक दो चेन और फिर से इसी तरह से ये लाइन बनाना है। ये लाइन बना के अभी येलो कलर को लिए हैं इस तरह से धागे को लंबा करके बनाए फिर एक दो चेन फिर से एक पाप बनाए फिर दो चेन फिर एक पाप फिर दो चेन चार बार धागे को लेके एक एक पाप बनाना है। फिर दो चेन देना है देखिए इस तरह से पांच पाप बनाए हैं यहाँ पर। फिर एक चेन दो चेन बना के फिर से देखिए यहाँ पर जो चेन है इनमें इस चेन में दो क्रोशिया बनाना है। अभी फिर से दो चेन और अभी देखिए यहाँ पर ये चेनों में फिर से पाप बनाना है। एक पाप बन गए हैं दो चेन बन गए हैं और फिर से ये दूसरा पाप बनाने वाली हूँ। देखिए बना रही हूँ देखिए इस तरह से अभी फिर से दो चेन फिर देखिए इस तरह से चार बार धागे लेके पाप बन रहे हैं फिर दो चेन देखिए एक दो तीन चार चार पाप बन गए हैं। ये लास्ट वाली पाप बना रही हूँ देखिए पांच नंबर वाली पाप बन गए हैं। अभी दो चेन इस चेन में फिर से दो क्रोशी फिर दो चेन देखिए इस तरह से ये लाइन बनाना है। देखिए अभी ग्रीन कलर को ऐड कर रही हूँ ये लाइन बन गए हैं। अभी इस तरह से
तरह से आप क्रोशे दे रही हूँ, फिर एक चेन, फिर एक हाफ क्रोशे और एक चेन, एक हाफ क्रोशे। तो देखिए ये एकदम बीच की पफ, बीच में जो पफ है इसके बीच से लेना है ऊपर से, देखिए इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस चेन बना के फिर से देखिए इस चेन में इस तरह से आपको इसे देना है। फिर एक चेन, फिर इस पफ में एक हाफ क्रोशी, फिर एक चेन, फिर इस चेन में एक हाफ क्रोशी, फिर एक चेन, फिर देखिए इस चेन में एक हाफ क्रोशी, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अभी यहाँ पर 12 चेन लेके देखिए, यहाँ पर जो दो क्रोशिया दिए हैं इसके इस इधर एक हाफ क्रोशी दिए, फिर 12 चेन देके अभी इस क्रोशी के इस साइड में एक हाफ चेन दिए हैं और यहाँ पर पप में 10 चेन दिए हैं और यहाँ पर 12। अभी फिर से देखिए पप में एक एक क्रोशी देना है, चेन एक क्रोशी। अभी बीच में फिर से आ गए हैं पप, देखिए इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस चेन देके अभी फिर से इसी जगह में एक हाफ क्रोशी दिए, फिर इस तरह से एक चेन एक क्रोशी देना है, इस तरह से। फिर से ये चेन आ गए हैं, यहाँ दो क्रोशिया आ गए हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चेन देके अभी देखिए इन दो क्रोशियों के इस साइड में एक हाफ क्रोशी दिए। अभी फिर से इधर एक चेन एक हाफ क्रोशी देते जाना है, तो इसी तरह से ये लाइन बनाना है। देखिए एक बार फिर से दिखा रही हूँ, देखिए ये बीच के पफ में एक हाफ क्रोशी दिए, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस चेन बना के फिर से इसी जगह में एक हाफ क्रोशी दिए। अभी इस चेन में हाफ क्रोशी, फिर एक चेन और इस पफ में एक हाफ क्रोशी, एक चेन, फिर इस चेन में एक हाफ क्रोशी और एक चेन, फिर देखिए यहाँ पर एक हाफ क्रोशी, फिर इस चेन में हाफ क्रोशी देके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चेन देके अभी इस दो क्रोशियो के इस साइड में एक हाफ क्रोशी। तो देखिए इसी तरह से बनाना है पूरा, अभी इसी तरह से ये पूरा बना लिए हैं। अभी इसके ऊपर से फिर से ऐसे ही डिजाइन बनाना है, पहले एक दो तीन और ये चार, चार चेन बना के मुँह में दो बार धागे को लेके इस तरह से देखिए दो दो धागे निकालना है, दो दो धागे दो बार निकालना है, देखिए एक दो तीन और ये देखिए चार धागे हो गए हैं। और इसके बाद इसके साथ इस तरह से निकालना है और फिर एक दो तीन चार पाँच छ, छ चेन देके इस जगह में फिर से
ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर से चार धागे आ गए हैं, अभी फिर से इस तरह निकाल के एक दो चेन बना के फिर से देखिए अभी इस चेन में फिर से इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। चार धागे आ गए हैं, फिर से इस तरह निकालना है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से छः चेन बना के फिर से इसी चेन में इस तरह से ट्रिपल क्रोशी बनाना है। दो चेन तो देखिए यही डिजाइन यहाँ पर बन रहे हैं, और फिर ऐसे ही डिजाइन यहाँ पर बनाना है, फिर ऐसे ही बनाना है यहाँ पर, इस तरह से एक ही प्रोसेस में बनाते जाना है।